96,000 के पार हुई देश में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 3,000 से ज्यादा मौतें, दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह जाम। घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हजारों मजदूर जुटे, कई महानगरों में प्रवासी मजदूरों का हुजूम। राजकोट के बाद अहमदाबाद में प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच संघर्ष, कई मजदूर हिरासत में लिए गए। कर्नाटक ने राज्य की सीमाएं सील की, 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों की एंट्री 31 मई तक बंद। 1 जुलाई से CBSE के एग्जाम शुरू, देश भर में 1 जुलाई को होम साइंस का एग्जाम होगा। लॉकडाउन 4.0 में ज्यादातर बाजार और दुकानें खोलने की इजाजत, कई राज्यों में हेयर सलून भी खुले। केरल कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश, तमिलनाडु के रामेश्वरम में तेज बारिश और आंधी से 50 मछुआरों की नाव टूटी। और दुनिया भर में 48,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आए, मौत का आंकड़ा 3,16,000 के पार हुआ।